नमस्कार, आप सबका स्वागत है। समय से पहले जश्न मनाना जीवन ही नहीं खेल में भारी पड़ सकता है। यह बात ऑस्ट्रेलिया की महिला टी20 बिग बैश लीग में बुधवार को साबित हो गई। मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम को सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ इस कारण आसानी से जीता हुआ मैच टाई खेलना पड़ा। हालांकि उसने सुपर ओवर में फिर जीत हासिल कर ली। मेलबर्न की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट खोकर 120 रन बनाए। जवाब में 19.5 ओवर के बाद सिडनी का स्कोर 7 विकेट पर 118 रन था। जीत के लिए 3 रन चाहिए थे, लेकिन मैच सुपर ओवर में पहुंच गया। सिडनी सिक्सर्स को आखिरी बॉल पर 3 रन चाहिए थे, लेकिन वो सिर्फ 1 रन दौड़ सके। मेलबर्न की कप्तान एमी सैटरथवेट की बॉल को सारा एली ने शॉर्ट फाइन लेग की ओर खेला। इस पर उन्होंने 1 रन पूरा किया और थ्रो विकेट कीपर एमा इंग्लिश के पास आया। एमा ने मैच जीता हुआ समझकर बॉल को हवा में उछाल दिया। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दूसरा रन पूरा कर लिया। अंपायरों ने स्पष्ट कर दिया कि बॉल उस वक्त डेड नहीं थी और दूसरा रन मान्य होगा। इससे मैच टाई हो गया और मेलबर्न के खिलाड़ियों की खुशियां पल भर में गायब हो गई। इसके बाद सुपर ओवर खेला गया, जिसमें मेलबर्न ने जीत हासिल कर ली। उन्होंने अंपायरों से विरोध भी जताया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैच के बाद मेलबर्न की कप्तान एमी सैटरथवेट ने कहा, इस मैच ने हमें बड़ा सबक दिया है। गनीमत है कि हम सुपर ओवर में जीत गए, वरना जिंदगी भर अपनी गलती पर अफसोस करते। यह युवा खिलाड़ियों के लिए भी सीख है कि समय से पहले जश्न न मनाएं और मैच पर ध्यान रखें।